हमारे चैप्टर का नाम है इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक ये बिजनेस है, एक बिजनेस बनाया मैंने आपके सामने। अब इस बिजनेस के अंदर अंदर ही बाहर वाले कोई कुछ नहीं करेंगे, बाहर वालों का कोई लेना देना नहीं, हम अब आपस में ही अंदर ही, जैसे कहते हैं ना कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तो यानी हमारा अंदरूनी मामला है। सेम ऐसे यहाँ पे इंटरनल का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब आपसी बातचीत से, आपस में बातचीत कर करके हम अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने की कोशिश करते हैं। तो किस तरीके से काम होता है इंटरनली, वो हमें इस चैप्टर में सीखना होता है। होता क्या है जनरली कि कई बार, जैसे आप मान के चलो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इक्विटी आपका, मैंने फॉर एग्जांपल डेट 15% है, यानी बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में, अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं, ये मान लो एक बिजनेस है, इस बिजनेस के अगर मैं बैलेंस शीट दिखाऊं आपको, मान लो आपका 10% डिबेंचर 2 लाख, मान लो क्रेडिटर 3 लाख, मान लो बिल्डिंग 1 लाख, मान लो डेटर 4 लाख। हम थोड़े पल के लिए मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, मान लो स्टॉक 2 लाख। हम एक छोटा सा मिनी बैलेंस शीट आपके सामने रखने जा रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा 7 लाख, और हेयर यहां भी 7 लाख है। अब बिजनेस की हालात सही नहीं है, सर कैसे कह सकते हो? मैंने कहा ये सारा का सारा बैड डेट्स हो सकता है, इसमें 90% डेटर्स हमारे बैड डेट्स होने की सिचुएशन पे हैं। स्टॉक भी हमारा खराब हो सकता है, स्टॉक हमारा खराब होने के चांसेस है। खराब हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे लाइबिलिटी है वो डे बाय डे हमारा बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं बिल्डिंग है जिसका वैल्यूएशन 1 लाख लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 लाख का बिकेगा नहीं बिकेगा गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितने का है? 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। अब यहाँ पे बिजनेस को चलाने के लिए लॉसेस में कंपनी चल रही है, बहुत ह्यूज लॉसेस में। अब बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। अब पैसे में अगर हम लॉस में चल रहे हैं, ना तो बैंक वाला लोन देगा, अब बैंक वाला लोन नहीं देगा, ना ही मुझे कोई इक्विटी शेयर में पैसा मिलने वाला है, ना ही मेरी कंपनी के कोई डिबेंचर खरीदेगा। तो और कंपनी में इतना टफ कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है कि मुझे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए सर? कुछ न्यू हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा, नई मशीनरी इंपोर्ट करना है, पैसा चाहिए हमें। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा बिजनेस मान लेते हैं PQR लिमिटेड है, हम बोलेंगे भैया आज हम अपने बिजनेस को अगर बंद कर दें, तो बंद करने के बाद हमें मिलेगा कितना? 1 लाख रुपए टोटल। अब 1 लाख में भाई डिबेंचर तेरे को मिलेगा और क्रेडिटर तेरे को मिलेगा। तो अब 1 लाख में मान के चल, अगर मैं देता भी हूं तो डिबेंचर होल्डर तेरे को मिलेगा 40-50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए मिल गया, और तेरे को 10-20 हजार रुपए मिल जाएगा, 30 हजार मिल जाएगा। यानी ना तो तुझे पूरे मिलेंगे, ना तो तुझे पूरे मिलेंगे, यानी मान के चलो खत्म है बिजनेस। और इक्विटी शेयर होल्डर भैया तुम तो भूल ही जाओ, तुम तो मालिक हो, तुम कैसे ले सकते हो पैसे? पहले कर्जा का पेमेंट करो। तो इक्विटी शेयर होल्डर तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तुम तो अपने आप को जीरो मान ही लो। डिबेंचर होल्डर तुम मान के चलो तुम्हें 60 हजार दे देंगे, और क्रेडिटर तुम मान लो कि हम तुम्हें 40 हजार दे देंगे।
तो हमने बोला क्रेडिटर भाई तू खुश है 40,000 लेके, 3 लाख रुपए तेरे गए, 40,000 ले और छुट्टी कर। डिबेंचर होल्डर तू खुश है क्या 60,000 लेके, या 2 लाख रुपए थे दिए थे तूने, अब 60,000 ही देंगे क्योंकि कंपनी चल गई इंसॉल्वेंसी में, लिक्विडेशन में। या तो हमसे मिल बैठ के बात कर ले, इक्विटी शेयर होल्डर तूने पैसे लगाए, बोल रहा है मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे, तेरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, जीरो ही मिलेगा। तो एक बार मिल के बैठ के आपस घर वाली बात है, चर्चा कर लेते हैं। बोलेंगे देख भाई ऐसा करते हैं, हम पहले कंपनी के अपने हालात सुधारते हैं। अब सर कंपनी के हालात कैसे सुधारें? मैंने बोला डिबेंचर होल्डर जो तेरा डिबेंचर है ना, अब मैं तेरा डिबेंचर 1 लाख कर देता हूँ, 2 के थे ना, मैं तेरा डिबेंचर मान लेता हूँ 1 लाख, 1 लाख भूल जा। डिबेंचर होल्डर का मैं क्यों भूलूँ? तो मैं बोलूंगा नहीं भूलेगा तो तेरे को 1,40,000 भूलना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी बंद कर दूं, तेरे कहने पे कंपनी बंद कर दूं, तो तेरे को 60 ही मिलेगा, तब तो 1,40 भूलना पड़ेगा, तू कुछ भी कर ले मिलेगा ही नहीं। तो मैंने बोला मान ले तेरे 1 लाख रुपए मैं दूंगा, 1 लाख रुपए तेरा राइट ऑफ कर रहा हूं। क्रेडिटर मान ले मैं तेरा क्रेडिटर, मैं तुझे भी मान लेते हैं 90,000 रुपए तुझे दे दूंगा। भाई क्रेडिटर बोला भाई मेरे तो 3 लाख थे 90,000, भाई ले कंपनी बंद करता हूं, 40,000 ले और जा। तो क्रेडिटर क्या बोलेगा, यार ठीक है ठीक है, 90,000 ही ठीक है, 40 से तो बढ़िया 90,000 है। मैंने बोला और बाकी भी दूंगा तुझे एक्स्ट्रा, मेरा 7 अभी तू देगा तो मैं तेरा 7 बाद में दूंगा। इक्विटी वाले को बोला भाई 2 लाख इक्विटी, 30,000 ले तू, तू 30,000 ले सिर्फ, ज्यादा नहीं लेना। इक्विटी ने बोला भैया हमारे तो 2 लाख रुपए हैं। मैंने बोला कंपनी बंद कर दू कुछ नहीं मिलेगा, वो क्या बोलेगा ठीक है भाई तुम चलाओ जैसे चला सकते हो 30,000। और मेरे पास अब बिल्डिंग कितने का है, 1 लाख रुपए का। डेटर भी मैं खत्म कर देता यार, ये अगर देखा जाए इधर का टोटल 9, 3, 12 तो 2,20,000 बन गया। और डेटर मेरे बैड डेट्स है सबको हटा दो, बैड डेट्स को अब 40,000 डेटर कर दिया और ये सारे पैसे देंगे। अब स्टॉक की बात कर लेते हैं सर, स्टॉक में भी देख लेते हैं तो ये हमारे कुछ 60-80 हज़ार रुपये होंगे जो पूरे पैसे मिल जाएंगे, जो पहले 2 लाख के थे सबको राइट ऑफ कर दिया। अब ये सब गुड गुड है, एकदम गुड, एकदम बढ़िया है, यानी अगर देखा जाए तो 2,20,000। अब मेरी कंपनी जो है वो दोबारा से एक तरीके से रिवाइव हो गई, हमने आपसी बातचीत करके समझौता करके अपने बैलेंस शीट को नया कर दिया। अब मैं इस बैलेंस शीट को जाऊंगा लोन लेने के लिए तो मुझे इजिली लोन मिलेगा। मैंने देख एसेट्स 1 लाख का है और लाइबिलिटी टोटल मिला ले 1,90,000 का है और एसेट्स तो मेरे पास उससे ज्यादा है और इक्विटी शेयर भी ये है, तो हम मार्केट में अब लोन भी ले सकते हैं फ्रेश। अब मार्केट में हम डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। तो इसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा कानून हमें करने के लिए अलाउड करती है, लॉ इस तरीके से काम करने के लिए हमें अलाउड करती है कि आप इस तरीके से काम को कर सकते हो। तो सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, बात तो वही पूछनी है। मैंने कहा भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है अपने बिजनेस के अंदर सभी से डिस्कस करके सभी लाइबिलिटी होल्डर को कम कर दो, एसेट्स जो बेकार है घटिया है निकाल के फेंक दो और एक नई बैलेंस शीट बना लो। ऐसे करने में आपको कुछ फायदा और कुछ नुकसान भी हो सकता है। जैसे मेरा पहले डिबेंचर कितने का था, 2 लाख का, अब डिबेंचर मेरा कितने का, 1 लाख का, तो फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, 1 लाख का। पहले हमारा क्रेडिटर था 2 का, अब 90 का, 3 का, अब फायदा कितने का हो गया, 2 लाख। पहले इक्विटी था 2 लाख का, अब इक्विटी 30 का, तो 1,70 का फायदा। और इधर हमें एसेट्स में नुकसान हो गया भाई। तो दोनों फायदे और जो नुकसान हो रहे हैं ना, आप उसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ, एग्जामिनर ये बोलता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री करूं तो आप बोलोगे सर बस इतना ही करना है, मैंने बिल्कुल बस। अब यहाँ पे जब भी फायदा होगा तो हम बनाएंगे रिकंस्ट्रक्शन या फिर कैपिटल रिडक्शन, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है, दो चीज हो सकती है, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के केस में रूल गोल्डन रूल क्रेडिट करो, और लॉस नुकसान हो रहा है तो गोल्डन रूल डेबिट करो। तो डिबेंचर के केस में हुआ हमारा फायदा तो हम क्या करेंगे सर, डिबेंचर के केस में हमारा क्या हो रहा है फायदा, तो हम करेंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन।
कितना फायदा डिबेंचर में, 1 लाख। देखो कितना आसान है जनरल एंट्री, यही तो करना है, ये 18 नंबर में आएगा आपके, ठीक है। इसके बाद आप भैया क्रेडिटर में कुछ हुआ, क्रेडिटर में भी फायदा, तो क्रेडिटर डेबिट करो, और टू रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन, रिकंस्ट्रक्शन कितने का, ये लो हो गई जनरल एंट्री डन। अब एसेट्स में आ जाए, बिल्डिंग में कुछ हुआ नहीं हुआ छोड़ दो, एंट्री नहीं होगी। अब डेटर में हुआ क्या हुआ, नुकसान, तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू डेटर कितने, 360, बड़ा नुकसान हुआ यहां। अब स्टॉक में क्या हुआ, नुकसान, तो एंट्री क्या होगा बताओ, रिकंस्ट्रक्शन टू स्टॉक 120। लो सीख गए आप जर्नल एंट्री, और रिकंस्ट्रक्शन पूरा यही है, यही रिकंस्ट्रक्शन है, और यही करने का आपको 18 नंबर देगा। लेकिन ये तो मैंने सिंपल सिंपल आपको बोल दिया कि ये इतना घट गया दिख रहा है, लेकिन जो घटेगा ना वो आपको एग्जामिनर थोड़ा सा उलट पुलट करके बोलेगा कि 10% डेटर घट गए, उसमें से 5% वापस आ गए, तो वो सब लैंग्वेज निकाल के नेट अमाउंट क्या फायदा नुकसान हुआ उसकी एक जर्नल एंट्री करनी होगी हमें। जर्नल समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए ये जर्नल किस किस को समझ में नहीं आया। पहले अगर आप लेट ज्वाइन हुए हैं, फायदे नुकसान समझ में नहीं आया, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से हैं तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से बता दें, अब एक बार फिर से बताते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लिख के करते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे तरीके से मैं अपने एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, बुक में देखूं कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो साथ के साथ हो जाए, बढ़िया रहेगा। बुक में तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को, ओहो इतना सारा। चलो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे ना थोड़ा क्लियरिटी बढ़ जाती है दिमाग में। मैं अपने हिसाब से जो बताना चाहता हूँ उसके हिसाब से, ये देखो आपके सामने एक बैलेंस शीट, एक साफ सुथरी बैलेंस शीट, साफ सुथरी, साफ सुथरी समझते हो, जिस बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल बैलेंस शीट। और ये पुरानी बनाता हूं ना, क्योंकि ना हमने बचपन से स्टार्टिंग से ही पुरानी बैलेंस शीट सीखी है, तो ये हमें झट से देखते ही हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और जो अब वाली है वो थोड़ी सी लेंदी बैलेंस शीट है, तो उसके अंदर हम बस ढूंढते रहते हैं कि क्या चीजें कहाँ है। तो इसलिए मैं सिंपल वाली बैलेंस शीट बना के आपको समझाता हूं। मैंने लिखा बिल्डिंग 2 लाख, मैंने लिखा डेटर 1 लाख, मैंने स्टॉक 2 लाख, मैंने लिखा मशीनरी 3 लाख, मैंने लिखा लॉस भी है कंपनी के अंदर, लॉस तो होना ही है, बिना लॉस के रिकंस्ट्रक्शन कौन करता है, 5 लाख, मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, मैंने लिखा 10% डिबेंचर 5 लाख, मैंने लिखा क्रेडिटर 2 लाख, तो टोटल कितने हो गए, 2, 3, 2, 5, 5, 10, 3, 13 लाख, तो इधर भी 13 बराबर करना पड़ेगा, लेकिन हुआ हमारा 5, 2, 7, 2, 9। मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग लो इंटरेस्ट, तो 9, 4 लाख कर देते हैं, हो गए 13, 13 लाख। अब ये बैलेंस शीट देख के आपको फील आएगा, मैं कहूं भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे क्या, तो सबसे पहले नजर यहां जाएगा, आप ऐसे भाग जाओगे, नहीं लगाना भाई इस कंपनी के अंदर। दूसरा आप इधर देखोगे, भाई तूने अभी तक ब्याज ही नहीं दिया लोगों के, इतना सारा अमाउंट, तेरे पास कैश भी नहीं है भाई। यानी कंपनी की बैलेंस शीट देख के आपको एक होता है ना कि भाई हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी, नहीं करना। चलो अब हम आपस में बातचीत करके इसको इन्वेस्टमेंट लाइक बना सकते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं। तो नंबर वन, बातचीत करने में फैसला जो हुआ वो मैं नीचे लिखूंगा, क्या फैसला हुआ, इक्विटी शेयर
रिड्यूस टू 50,000, यानी अब इक्विटी शेयर कितने का हो गया 50,000। नंबर दो, 10% डिबेंचर होल्डर एग्री टू एवरी टू फोरगो 4 का मतलब छोड़ना, ठीक है, छोड़ दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बोलता नहीं लूंगा यार, चल तेरे ऊपर एहसान किया। एंड 10% डिबेंचर होल्डर रिड्यूस बाय 2 लाख। चौथा, बिल्डिंग एप्रिशिएट 10%, मैं रफली लिखता जा रहा हूं बस समझाऊंगा। पांचवा, बेड डेट्स 60,000, ठीक है। और कुछ लिख लें एक दो पॉइंट और, लॉस तो हमने जब बातचीत करेंगे तो लॉस को जीरो ही करना है, मैंने चलो लिख देता हूं, ऑल लॉस विल बी रिटर्न ऑफ हो गया, ठीक है, लिख दिया आपके, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक नहीं लिखा ना, बस इतना ही लिखते हैं, आपको बस समझाना है, ठीक है। सर न्यू शेयर देंगे कम प्राइस पर, हाँ बिल्कुल, नए शेयर देंगे कम प्राइस पे देंगे। ओह लो, आज रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, चलो वो लाइव से लेना पड़ेगा आप तो। चलिए अब हमें करना है एकदम जनरल एंट्री, अभी हम साधारण जनरल एंट्री सीख रहे हैं, फिर इसको बिल्कुल टेक्निकल में क्या क्या होना चाहिए वो भी सीख लेंगे। ये चैप्टर इतना आसान है ना कि मैं 2 से 3 क्लास में बोर हो जाता हूं इसमें, अब क्या बताऊं, सब कुछ तो पता ही चल गया बच्चों को। और बाकी चैप्टर जो होते हैं उसमें लगता है कभी ये भी कराना ही है, 2 मुश्किल से मेरे को 3 क्लास लगता है, 3 क्लास बाद मैं सब कुछ बता चुका होता हूं इसमें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिंपल, पूरी किताब का कोई सिंपल चैप्टर है तो अकेला यही लगता है मुझे। चलिए सर, अब इसका मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर पहले थे 2 लाख के, अब बने 50 के, तो सबसे पहले आपको जो डिसाइड करना है ना, ध्यान दो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर हमें रिकंस्ट्रक्शन लिखना है, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो हम क्रेडिट में लिख देंगे रिकंस्ट्रक्शन को, अगर लॉस हुआ नुकसान हुआ तो डेबिट में लिख देंगे रिकंस्ट्रक्शन को। सर प्रॉफिट कैसे होगा, लाइबिलिटी कम होगा तो प्रॉफिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा, एसेट्स कम होगा तो लॉस होगा, एसेट्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट, सिंपल फंडा लेके चलना है हमें। इसका मतलब 2 वर्ड आ गया, मैं समझाऊंगा, अभी तो मैं एक सिंपल अपना एग्जांपल ले रहा हूं, फिर सारे जो इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं वो बस मुझे एक क्लास में समझाना है। मतलब 2 आ गया वर्ड, 2 का मतलब अब इतने के बच गए, 50,000 के बच गए, अगर बाय होता तो 50,000 से कम हो गए, ठीक है ना, आपने 12वीं क्लास में भी करा होगा याद हो थोड़ा बहुत, तो भैया कितने के बच गए, 50,000 के बच गए। इस चैप्टर के सबसे खास बात है इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा बस ट्विस्ट करेंगे, बाकी होता यही है, 50,000 बच गए। तो मैं मान के चलूं कि हमारे पास इक्विटी में ऐसे करना आपको, ठीक है, तो ओल्ड इक्विटी कितने थे सर, डेबिट क्यों कर रहे हो भाई, यहां से हटाएंगे ना इसको,
सिर्फ इक्विटी में ओल्ड वाला सिंपल चलेगा 2 लाख, अब उसके बदले हमने न्यू दे दिया, लो जी लो मैं यहाँ पे न्यू भी लगा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे यहाँ पे न्यू क्यों लगाया, न्यू ठीक है ना, न्यू इक्विटी रह गए हैं अब, तो न्यू इक्विटी कितने के दिए 50,000 के। अब बताओ हमारा फायदा हुआ या नहीं हुआ, फायदा तो उसको लिख देंगे, रिकंस्ट्रक्शन री जनरली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने के लिए शब्द यूज होता है, लेकिन यहां पे हमने बिजनेस को बनाना यानी सुधारना रिकंस्ट्रक्ट कर दिया हमने दोबारा, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस 250,000। अब एक बार फटाफट से पहली एंट्री का एक और करूंगा फिर पूछूंगा आपसे, समझ में आया नहीं आया। दूसरे लाइन में कहता है डिवेंचर होल्डर बोलता है कि भैया मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए छोड़ो, तो अब भैया पहले इंटरेस्ट कितना देना था 4 लाख, कमेंट में बताना है सबको पहले इंटरेस्ट कितना देना था, और अब ये बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट दो ही मत, तो यहां मेरा फायदा हो गया कंपनी का या नुकसान हो गया, कंपनी का क्या हुआ बताओ जल्दी कमेंट में, प्रॉफिट हुआ कंपनी का या लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो कितने का हुआ, सिर्फ डिबेंचर में इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, कितने का फायदा हुआ, फायदा हुआ इंटरेस्ट कितने गिवन है 4 लाख, और डिबेंचर होल्डर ने बोला मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट के आगे क्या लिखा है, एग्री टू फोरगो देयर इंटरेस्ट, मैं हिंदी बोल रहा हूं कि अपने वो इंटरेस्ट को छोड़ना चाह रहा है, तो फायदा हो गया, तो 4 लाख का इंटरेस्ट, मैंने कहा भाई डिबेंचर होल्डर तेरे को कुछ दे इस ब्याज का, उसने बोले कुछ मत दे भाई मेरे को, तो कितना फायदा हुआ, पूरे 4 लाख ही तो हुए फायदे, नहीं नहीं अब पुराने नहीं दे रहा हूं, इस साल भी नहीं दिया उस साल भी नहीं दिया, पता नहीं 10 सालों से इसके इंटरेस्ट नहीं दे रहे, ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट किसका होगा, और कोई लोन वोन तो है नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा भाई साहब ये डिबेंचर का ही है, तो लेकिन सर डिबेंचर के तो आप बोल रहे हो जैसे 50,000 होंगे, अब मैंने पिछले 10 साल से नहीं दिए इसको ब्याज, अब बताओ तो सब जुड़ के तो हो गए होंगे ना, ये तो 4 लाख का फायदा होगा, तो मैं कहूंगा फायदा हो गया तो यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और टू फायदा मतलब रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन बींग, जब हम फाइनल क्वेश्चंस पे आएंगे तो बताते जाएंगे, मैं बताता जाता हूं, सिंपल बींग है, बींग क्या मतलब लिख दोगे कि आपका इंटरेस्ट जो है, ये लाइन जो है वो पूरी बींग में लिख सकते हो कि 10% डिबेंचर एग्री टू फोर को देयर इंटरेस्ट, और ये हमारा फायदा हो गया 4 लाख का, कितने का फायदा 4 लाख। चलो तीसरे एडजस्टमेंट में कहता है 10% डिबेंचर होल्डर रिड्यूस बाय 2 लाख, डिबेंचर होल्डर को हमने 2 लाख से कम कर देने हैं, अब डिबेंचर होल्डर थे कितने के, अब बताओ इसमें पहले हमारा फायदा हो रहा है नुकसान, सभी बच्चे बता दो इसमें फायदा हो रहा है या नुकसान, पहले मेरे डिबेंचर थे 5 के, अब ये बोल रहा है रिड्यूस का मतलब आपको पता है कि क्या होना चाहिए, सर रिड्यूस का मतलब होना चाहिए कम कर देना, और कम कितने से कर देना चाहिए 2 लाख रुपए से कम कर दो, तो फायदा या नुकसान, सर यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट 2 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट 2 लाख का, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, हमारा डिबेंचर कम हो गया, दैट इज 10% डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट खत्म करो, क्योंकि लाइबिलिटी है, कम कैसे करोगे इसको, डेबिट करके ही तो कम करोगे, तो 2 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, बताओ मुश्किल है क्या ये, कैसे न्यू डिबेंचर, नहीं न्यू डिबेंचर सिर्फ वो इक्विटी में न्यू वाला पॉइंट आएगा और सब बाकी सिंपल सिंपल चलेगा हमारा, ठीक है। अब चलो अगली एंट्री कहता है बिल्डिंग एप्रिशिएट 10%, यानी बिल्डिंग हमारा 2 लाख का है, सवाल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बिल्डिंग बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गया, कितना बढ़ गया,
10%, यानी 2 लाख का 10% हमारा बिल्डिंग बढ़ गया, तो मतलब कितना बढ़ गया सर, 20,000 बढ़ गया। अब बताओ बिल्डिंग बढ़ गया आपका, तो आपका प्रॉफिट या लॉस, आपका क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 2 लाख का बिल्डिंग था और बिल्डिंग बढ़ गया, तो कितने का प्रॉफिट, 20,000 का। तो अब जब 20,000 का बढ़ा है तो क्या बढ़ा है हमारा, बिल्डिंग, बिल्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन। अब यहां पे जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो ना, जो 11वीं क्लास में जनरल एंट्री सीखा होगा ना, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, कुछ कुछ मतलब बेसिक्स आ रहे हैं यहां पे कि भैया बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, देख लो। अब आप 20,000 ये लो लिख दिया, ओहो 2 लाख, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, भैया मेरा बेड डेट्स हो गया 60,000, 60,000 के मेरे पैसे डूब गए, डेटर में से मेरे बेड डेट्स हो गए 60,000, तो ये तो मेरा हो गया लॉस, ये क्या हो गया हमारा लॉस। जब लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे सर, रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करेंगे, और टू बेड डेट्स हो गया तो डेटर, डेटर कम करो, हाँ डेटर कम होगा, बेड डेट्स नहीं लिखना आपको, डेटर कम करना है यहां पे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप बैलेंस शीट में से डेटर ही कम करते थे ना, वो तो पीएनएल में लिखते थे बेड डेट्स, कभी बैलेंस शीट में लिखा है, हम बैलेंस शीट को सुधार रहे हैं, अपने पीएनएल को नहीं सुधार रहे। तो रिकंस्ट्रक्शन कितने का हो गया सर, 60,000 लॉस हो गया 60,000। तो आप देखिए जैसे ही लॉस आया, रिकंस्ट्रक्शन का साइड बदल गया, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो गया। अमित ने बोला रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू डेटर, बिल्कुल ठीक। अगली एंट्री में कहता है कि सारे के सारे लॉस रिटर्न ऑफ करो, यानी जो आपको एसेट्स में लॉस दिख रहा है उसको खत्म करो, तो उसे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फिर रिकंस्ट्रक्शन से राइट ऑफ होगा, रिकंस्ट्रक्शन टू लॉस कितने का है सर, 5 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। यहां तक हर बच्चों को समझ में आया क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, बोले जाएगा रिकंस्ट्रक्शन की जनरल एंट्री करो, बोला जाएगा आपको रीबिल्ड बैलेंस शीट करना है, आपको नई बैलेंस शीट बना के दिखाना है, और एक बोला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी बनाओ। तीन ही चीजें पूछी जाएगी, चौथी कुछ नहीं पूछा जाता, तीन में से कोई भी दो, कोई भी एक पूछा जा सकता है आपसे। तो आपने अभी जनरल एंट्री सीख लिया है, जनरल एंट्री हर बच्चों को क्लियर है तो बता दीजिए फटाफट, जी सर जनरल एंट्री एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, ये ऐसी वाली जो आपने कराया है, तो मैं इसका एक बार लेजर पोस्टिंग, एक बार अकाउंट करा दूं। एक बार थर्ड पॉइंट दोबारा बताना है, थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि 10% डिबेंचर होल्डर रिड्यूस बाय 2 लाख, मतलब डिबेंचर होल्डर कहते हैं कि भाई मैं अपने आप को रिड्यूस कर रहा हूं किससे, 2 लाख से। इसका मतलब सर अब जो डिबेंचर थे 2 लाख के नए वाले बैलेंस शीट, 5 लाख के नए वाले बैलेंस शीट में बचेंगे 3 लाख का, तो ये रिड्यूस हो गया हमारा। लॉस राइट ऑफ करना, अब लॉस को राइट ऑफ करना मतलब बैलेंस शीट में यहां एसेट साइड में लॉस दिख रहा है, इसको खत्म करो, तो डेबिट में है तो खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और मैच कर देंगे हमेशा रिकंस्ट्रक्शन से, हमेशा मैच कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन, जो रिकंस्ट्रक्शन था वहां फायदा हुआ उससे यूज कर लिया हमने। सर कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो रिकंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है, लॉस करके कंपनी बंद करो, लॉस करके बंद ही कर रहे थे, लेकिन ये सब मान जाते हैं ना कि मत करो मत करो, हम तो पहले डूब जाएंगे पूरे तरीके से, इससे अच्छा के थोड़ी चलाओ कंपनी को, मौका दो एक बार कंपनी को सुधरने का। इसलिए तो यहां पे सिंपल सी बात है, जैसे अब इसको कुछ अब इस थोड़े अब अगर मैं कंपनी बंद कर दूं तो ये सब मर जाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा इनको पैसा, ठीक है। अब पैसा नहीं मिलता तो इन सब से मिलके हम बोलते हैं चल यार ठीक है कोई बात नहीं, कंपनी को दोबारा रीबिल्ड करके चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सिंपल सी बात करो ना, वोडाफोन को आइडिया, आइडिया बर्बाद हो गई थी, मर गई थी आइडिया, फिर आइडिया ने वोडाफोन से बात करी, भाई देखो कुछ हो सकता है, फिर वो वोडाफोन के साथ फिर अपने शेयर होल्डर वगैरह को रिकंस्ट्रक्शन करा, फिर जुड़े, अब वोडाफोन भी बर्बाद हो गई, अब उसको भी देखोगे तो उसकी हालत सबसे खराब चल रही है। तो अब वोडाफोन भी बात कर रहे हैं अपने डिबेंचर होल्डर से, बैंक से, कि भाई तुम थोड़े से कम लोन ले लो, लोन के पैसे रिड्यूस करो, नहीं तो हम बंद हो जाएंगे, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो उसे रिकंस्ट्रक्शन करते हैं।
एफपीओ लाया है वीआई ने, बिल्कुल सही जवाब, एफपीओ पैसे इकट्ठे करने के लिए। उन्होंने पहले अपनी बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्शन किया, लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया, एफपीओ ले लो, 10 रुपए का एक शेयर खरीद लो प्लीज खरीद लो, 10 रुपए का एक शेयर लेके आए वो, तो अब उसके शेयर्स बिके, अभी लिस्टिंग हुई नहीं है, बाकी मार्केट में तो 13 रुपए का एक शेयर चल रहा है उसका। ये टाइम कितना लगेगा आपको, जब तक समझ में नहीं आता उतना ही टाइम लगेगा, इसे करते जाएंगे, मेरी तरफ से तो 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा तो करेंगे। फोर फीचर की जनरल एंट्री तब होगी ना, इसमें हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, फोर फीचर का भी हो सकता है जनरल एंट्री, लेकिन यहां तो हमारे शेयर होल्डर के पास पैसे ही नहीं बाकी रहेंगे, सब लेके खा पी के लॉस करके बैठे होंगे हम, तो फोर फीचर तो होता है कि शेयर होल्डर ने कम पैसे दिए उसके पैसे हम छीन लेंगे, यहां तो हम शेयर होल्डर से सारे पैसे ले लेते हैं, सब खर्च कर देते हैं, कंपनी को नुकसान में पहुंचा चुके होते हैं, तो आती नहीं है वैसे उस टाइप की एंट्री। हाँ कल भी लेंगे ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ 3 क्लास। कौन सा प्रेफरेंशियल रिडम्पशन? हाँ रिडम्पशन नहीं होगा, बोलेंगे भैया तू भूल जा पैसे नहीं मिलेंगे, रिडम्पशन का मतलब होता है तेरे को पैसे देंगे, अब कुछ नहीं मिलेगा, भूल जा तू बस, नहीं रिडम्पशन कर लिया, पैसे ही नहीं है कंपनी के पास, कहाँ से करेंगे रिडम्पशन, कंपनी बर्बाद हो चुकी है भाई। जनरल एंट्री ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई यूनिकनेस नहीं है, फॉर्मेट यही सब कुछ यही, आज अभी बता देंगे लास्ट में। हाँ बहुत सारी चीजें सरेंडर ऑफ शेयर से, बहुत बच्चों ने पुराने वीडियो से करे होंगे, तो अब जो इसमें करेंगे तो बिल्कुल इसमें सब कुछ क्लियर करते जाएंगे, जिस जिसका जो डाउट होगा बताते जाइएगा, ठीक है ओके। अब सर इसके अंदर इसकी अकाउंटिंग बता दो, अकाउंटिंग का मतलब सर इसका लेजर बता दो, इसका लेजर बता दो कि क्या होगा सर, और भी क्लास होती है। अच्छा चलो अब लेजर देखो, इतना आसान, जनरल एंट्री तो आप सोच रहे हो चलो ये तो बढ़िया है, थोड़ा समझ में आया है चैप्टर, जल्दी भी आ रहा है, अब जब लेजर बनाऊंगा तो लगेगा ये तो उससे भी आसान है, ये तो उससे भी आसान है, ये बन गया आपका, यानी क्या बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोला जाएगा, बनाओ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ, यहां आएगा अमाउंट। सर अगर जो फायदा है वो इधर लिखेंगे, नुकसान इधर लिखेंगे, आपको सबको पता है, आप इसको एक तरीके से ये P&L है, P&L मान के चलो, फायदा इधर, अब देखो पहली एंट्री में हमें हुआ फायदा तो बाय साइड में लिखेंगे, पहली एंट्री में हुआ फायदा तो बाय साइड में क्या लिखोगे सर, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना फायदा 1.5 लाख रुपए। सर दूसरी एंट्री में भी फायदा, क्या फायदा, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना फायदा 4 लाख, समझ में आ रहा है। तीसरी एंट्री में भी फायदा, क्या फायदा, बाय 10%, कितना फायदा 2 लाख। चौथी एंट्री में भी फायदा तो बाय साइड में आएगा, बाय बिल्डिंग 20,000। पांचवी एंट्री में नुकसान तो टू साइड में, डेटर कितना, डेटर 60,000। छठी एंट्री में भी नुकसान तो क्या हो गया, लॉस कितना 5 लाख। अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो हमेशा याद रखना 99% केस में इधर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, यानी आपने रिकंस्ट्रक्शन करने में आपको कुछ फायदा हुआ है तो उस फायदे को पता है किससे मैच करना है सर, कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा 2,6,7,7,70,000, जिसमें से माइनस कर दो 5,60,000, तो कितने बचे, 1,10,000 आ गया, 1,10,000 आ गया। यहां तक हर बच्चों को क्लियर है, बताओ इस अकाउंट में कोई दिक्कत, आपने बोला प्रॉफिट होगा तो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा तो फिर लास्ट एंट्री में डेबिट क्यों हुआ, हमारे लास्ट एंट्री में लॉस को खत्म किया, इस लॉस को खत्म करने के चक्कर में जितना रिकंस्ट्रक्शन का पैसा कमाया उसको यूज करके हमने खत्म किया इसको, इसलिए यहां पर रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो गया।
लॉस, बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट होगा इधर आ गया, लॉस होगा तो इधर गुडविल आता है, लेकिन एक आध है नहीं आपके बुक में कोई क्वेश्चन, ना ही पूछेगा। रिकंस्ट्रक्शन के बाद हमें कभी भी ऐसा नहीं होगा लॉस होगा तो हम रिकंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, एक लॉजिकली चीज को समझे तो हम रिकंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे कि ये साइड ज्यादा आ जाए और ये कम आ जाए, तो बोलेंगे इससे अच्छा तो पहले ही थे भाई हम। हाँ एक बच्चे ने सही याद दिलाया, सर कैपिटल रिजर्व निकला इसकी भी जनरल एंट्री, जी हाँ लास्ट में इसकी भी जनरल एंट्री करनी होगी, रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व ये तो मैं भूल ही गया था, और कितने रुपए 1,10, ये एंट्री लास्ट में करना ही करना पड़ेगा। यानी सर जनरल एंट्री जब आप करोगे तो ये आपको अगर अकाउंट ना भी बोला जाए बनाने को तो आप डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करके एक ऐसा अमाउंट निकाल के लास्ट में एक एंट्री ये करना पड़ेगा हमें। बोले थे सर 2,10 आना चाहिए था, गलत बता दिया इसका मतलब, मुझे माइनस गलत करके बताया है, तो आपने ही बताया था मुझे, क्या बोल रहे हो ये 2,10 है भाई 2,10, यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चे गलत बता रहे हैं सब। दो दस है सही जवाब है बिल्कुल, निशा का कहना है 2,10। सर वोडाफोन आइडिया के एग्जाम्पल में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंसिडर करेंगे या फिर मर्जर, वोडाफोन और आइडिया मिले वो हो गया मर्जर, उसके बाद हालत खराब हुई कर लिया रिकंस्ट्रक्शन, तो वो सब चीजें देखेंगे एमलगेमेशन में है, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। सर नरेशन क्या होगा कैपिटल रिजर्व का, कैपिटल रिजर्व इसका नरेशन होगा रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट भी बनाएं, हाँ बिल्कुल बैलेंस शीट भी बना के दिखा देंगे अभी हम, तीनों चीजें ही हो जाएगा। हाँ जिस जिस के अंदर आप एडिट करोगे नोट, लेकिन मैं पुरानी बैलेंस शीट बनाऊंगा अपने आसानी के लिए, आपको ये नई बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना होगा। सबका नरेशन मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फोरगो देयर डिबेंचर होल्डर फोरगो देयर राइट्स, या फिर डिबेंचर होल्डर फोरगो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डिबेंचर 10% डिबेंचर रिड्यूस बाय 2 लाख, बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%, डेट बैड डेट्स अमाउंट 60,000, यहाँ पे लॉस रिटर्न ऑफ, यानी जो ये स्टेटमेंट लिखा है वही नरेशन में मैक्सिमम 90% लिखा जाता है। सर क्वेश्चन के टाइम पर लिखा देना, क्या लिख देना, अच्छा लिख देंगे। रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम कैपिटल रिडक्शन है या कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम कैपिटल रिडक्शन है, कैपिटल रिजर्व तो अलग चीज है। चलिए ये समझ में आए, अब नई बैलेंस शीट भी बना दें आपके लिए, मैं मेरे पास देखो जगह नहीं है, मैं तो चाह रहा हूं कि आपके लिए नई बैलेंस शीट के हिसाब से बनाऊं, लेकिन मैं पुराने फॉर्मेट में बना देता हूं। नए फॉर्मेट में आपने बैलेंस शीट इतने सारे क्वेश्चंस किए अभी चल ही रहे थे, तो आपको बस कन्वर्ट करना है, P&L नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, तो ये काम तो आपका आसान हो गया। तो सबसे पहले मैं इधर लिखने वाला हूँ इक्विटी शेयर, सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, क्या होगा, अब भैया 50,000 होगा और क्या होगा, उसके बाद क्या लिखूंगा डिबेंचर, कितना होगा डिबेंचर, डिबेंचर कितना होगा 3 लाख, डिबेंचर के बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट खत्म 0, क्रेडिटर क्या होगा, कुछ नहीं बोला तो सेम ही रहेगा, कितने रुपए 2 लाख। सर बिल्डिंग क्या आएगा, सर बिल्डिंग भी आएगा क्या, जी हाँ बिल्डिंग आएगा, कितना आएगा बिल्डिंग 2,20,000, 20,000 बढ़ गए थे भूल गए। इसके बाद डेटर, डेटर क्या आएगा सर 40,000, इसके बाद स्टॉक कोई चेंजेस नहीं है तो सेम आ जाएगा, स्टॉक कितने का है 2 लाख का, इसके बाद मशीनरी कोई चेंजेस नहीं है सेम आ जाएगा, मशीनरी कितने का है 3 लाख, उसके बाद लॉस है ही नहीं 0 कर दिया, और एक यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा जो निकाला हमने 2 लाख, दोनों साइड आप मैच करके देखना दोनों साइड एकदम बराबर आ जाएगा।
60 के तो गए ना, तो 40 बचे होंगे। अब एक बार दोनों साइड टोटल करो, मैं ही कर देता हूँ टोटल। ये लो 50,000, 3 लाख, 2 लाख, 7,60। इधर का भी देख लेते हैं, 2,20, 40, 2 लाख, 3 लाख, 7,60, दोनों साइड मैच। सर लॉस एसेट साइड में क्यों आया है बैलेंस शीट में? अवंतिका, आपने 12वीं क्लास में, आपने अगर एडमिशन, अगर आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड था तो मैं थोड़ा पीछे का याद दिलाऊं कि आपने 12th क्लास में आपने कितने सारे लॉस होते थे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते थे एसेट साइड में। जितने फायदे होते हैं वो लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट में आते हैं, और लॉसेस जितने होते हैं वो एसेट्स में ही आते हैं। गोल्डन रूल याद करो, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन शुड बी क्रेडिटेड। इसलिए प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड होता है और लॉस डेबिट साइड होता है एसेट्स में। क्रेडिटर के नीचे क्या लिखा है? ये कैपिटल रिजर्व लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिखा है कैपिटल रिजर्व, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। यही अमाउंट आएगा ना, क्योंकि ये निकला है ना हमारा। बताइए समझ में आया क्या? तो हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक पॉइंट्स कर लिए हैं इस क्वेश्चन के, तो इसकी क्लास कल भी रखी जाए आपके लिए। सर मैं पीसीबी से हूं। ओके, पीसीबी से है तो अब थोड़ा सा देखो, आपको परेशानी होगी, पीसीबी वाले और आर्ट्स वाले बच्चों को दिक्कत होगी वैसे तो। टाइम का मैनेज कर लो सर, मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं हो पाता है। मॉर्निंग में बताओ, आप बोलो 7 बजे कर दे मॉर्निंग का। सर रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ का मतलब होता है उसे जीरो कर दो, उसे खत्म कर दो, बैलेंस शीट में देखने मत दो उसे। रिकंस्ट्रक्शन को कैपिटल रिडक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने सारे कैपिटल को रिड्यूस करते हैं इस केस के अंदर। इक्विटी शेयर होल्डर अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रहा होता है, इसलिए इसको रिडक्शन वर्ड के इस्तेमाल करते हैं हम।